आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कल हमने चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिनट टू मिनट कुछ ना कुछ जरूर बदल रहा है और ये बदलाव बहुत लंबे समय से चल रहा है। लेकिन जब ये बदलाव ऐसा हो जा रहा है जिसको लेकर कोई सोचे भी ना, तो कहीं ना कहीं बदलाव को लेकर के काफी राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको टॉनिक मिल जा रहा है और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनकी सांसें थम जा रही हैं। मैं बात कर रहा था कल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कि उन्होंने एकाएक अचानक से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद पार्टी से इस्तीफा दिया और अखिलेश यादव के साथ उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि आने वाली 14 तारीख को मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। 14 तारीख तो अभी नहीं आई है, इंतजार सबको है कि बड़ा क्या होने वाला है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा था कि अब आए दिन बीजेपी का कोई ना कोई बड़ा विकेट गिरता रहेगा और हुआ भी ऐसा ही। आज कल जिस समय लगभग स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, लगभग उसी समय आज दारा सिंह चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, 5 साल का उन्होंने अपना पदभार संभाला है, बसपा में भी वो कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, उसके बाद वो बीजेपी आए थे, बीजेपी में उन्होंने अपना मंत्री पद संभाला था, उन्होंने लंबे समय तक विभाग की जिम्मेदारियां संभाली थी, बेहतर काम किया था, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया था। लेकिन आज एकाएक अचानक से दारा सिंह चौहान ने भी एक पत्र लिखा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को, उसमें लिखा कि मौजूदा सरकार दलितों, वंचितों, पिछड़ों की अनदेखी कर रही है और इसी वजह से मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बिल्कुल जैसे कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था उसी तरह से आज भी हुआ। अटकलें बहुत लंबे समय से लग रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से बीजेपी छोड़ने वाले हैं, लेकिन जब भी उनसे बात करी जाए तो वो मौजूदा सरकार की योजनाओं के बारे में बताते थे, मौजूदा सरकार के बेहतर कामों के बारे में बताते थे, गिनाते थे कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ इसी तरह से दारा सिंह चौहान का भी हाल था, जब भी उनसे बात करी जाती थी तो वो अपने विभागों की बेहतरी के बारे में बताते थे, वो सरकार की योजनाओं के बारे में बताते थे, वो सब कुछ बेहतर होने की बात बताते थे। फिर अचानक से क्या हुआ ऐसा कि ये दोनों ही नेता एकाएक पार्टी से अलग हो गए, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी चुनाव के बिल्कुल करीब आकर के। उस दौरान जब बीजेपी पूरी तैयारी में लगी हुई है चुनाव जीतने के और कह रही है कि इस बार फिर से हम पिछला वाला रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे, उस दौरान जब बीजेपी अलग अलग जातियों के सम्मेलन कर रही है, अलग अलग वर्गों के सम्मेलन कर रही है, जन विश्वास यात्राएं कर रही है, उस दौरान जब बीजेपी को यह पता है कि किस वोट बैंक का कितना प्रतिशत हमारे खेमे में आ सकता है और उसके लिए जो उस वोट बैंक के प्रमुख नेता हैं उनका हमारे पास होना बहुत जरूरी है, और ये वही ओबीसी नेता है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करी जाए या दारा सिंह चौहान की बात करी जाए। उत्तर प्रदेश में करीब 52% ओबीसी वोट बैंक है, बीजेपी ये जानती है और पिछले विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में ये जो ओबीसी वोट बैंक का प्रतिशत था ये बीजेपी के खेमे में आया था। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे नेता ओबीसी वर्ग के बीजेपी के साथ रहे थे, उन्होंने जनता के बीच जाकर वोट मांगा था। लेकिन अब एकाएक धीरे धीरे एक एक कड़ी टूट रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कल जब पार्टी छोड़े थे तो उनके साथ 3 से 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, आज दारा सिंह चौहान ने छोड़ दी। और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बयान और जारी किया गया है कि 14 तारीख को एक दर्जन से ज्यादा विधायकों के साथ वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब ये एक दर्जन विधायक कौन कौन से हैं? क्या सब बीजेपी वाले हैं या कुछ और अन्य दलों के भी हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य किस मूड में हैं, चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या तैयारियां हैं, ये तो समय बताएगा, 14 तारीख बताएगी। लेकिन जिस तरह से एकाएक करके बीजेपी के ये सीनियर लीडर, बीजेपी के कद्दावर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे हवा का रुख किधर है ये पता चल रहा है। मैं हवा के रुख की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि
जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ी, इन दोनों की तस्वीरें जो है वो अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर आ गई। अखिलेश यादव वो जिसे लंबे समय से बीजेपी वाले कह रहे थे कि अखिलेश यादव कमरे में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई रणनीति नहीं है, ये नेता सही नहीं है। आखिर अखिलेश यादव में इतना पोटेंशियल इन नेताओं को क्यों दिखाई दे रहा है कि अपने मंत्री पद छोड़ छोड़ के ये लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या कारण है? ये कारण जानना बहुत जरूरी है, वो भी चुनाव के बिल्कुल करीब। ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी वाले ही हैं, आज बसपा के भी कई सारे पुराने नेता वो भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। तो आखिर एकाएक अचानक से समाजवादी पार्टी में इतना पोटेंशियल कैसे दिखने लग गया इन लोगों को, और वो भी बीजेपी को जो 325 सीट जीत कर पिछली बार अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज करवा चुकी है, इस बार फिर से बड़े पैमाने पर जीतने की बात कर रही है, पूरा केंद्र नेतृत्व उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में लगा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा इस बात पर भी हामी भरी जा चुकी है, फिर अचानक से ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सवाल है, वो भी उस वक्त जब ओबीसी वोट बैंक की कीमत सबको पता है, जब जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास लंबे समय से उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया था सम्मेलनों के जरिए, अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश सम्मेलनों के जरिए राजनीतिक दलों ने करी थी, और उसके बाद अब इन नेताओं का पार्टी छोड़ देना। देखिए अहम बात यह है कि जब ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हो रहे थे या राजधानी लखनऊ में हो रहे थे, तो उस दौरान इन्हीं नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि भैया कार्यकर्ताओं को बुलाओ, लोगों को बुलाओ और बताओ कि सब कुछ ठीक है और बेहतर कर दिया जाएगा अगर कुछ गड़बड़ उड़बड़ है तो। और इन नेताओं ने, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, मौर्य समाज का सम्मेलन उन्होंने कराया था, दारा सिंह चौहान भी कई सारे सम्मेलनों में मौजूद रहे थे, और उस दौरान इन लोग ने कहा था कि बीजेपी जो काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो अब अचानक से 2 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको अपनी पार्टी में ही भरोसा नहीं दिख रहा है? ये सारे सवाल हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से, कि अभी और कितने प्रमुख नेता ऐसे हैं जो सपा के कॉन्टेक्ट में हैं, और क्यों बीजेपी के ये नेता बीजेपी पर आरोप लगा लगाकर पार्टी छोड़ रहे हैं। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस डिबेट को मैं शुरू करता हूं। आगे की रणनीति के लिए 2 दिन और आप इंतजार करिए, पर्चा दाखिला 14 से शुरू हो रहा है, 14 को मैं धमाका करूंगा। अब वो समय निकल गया, जब मुझे बात करने की आवश्यकता थी तो हमारे पार्टी के नेताओं को समय नहीं था, और जब पार्टी के नेता बात करना चाहते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास समय नहीं है। 2017 के पहले 14 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी झेली है, अब फिर इनको एक लंबे वनवास में जाना होगा। कि 5 साल आपने छिपा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला, इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। तो ये वो 2 प्रमुख नेताओं के बयान थे जो आपने सुने, और साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि आखिर पार्टी क्यों छोड़ी, कारण बताया है दोनों ने एक जैसा, कि हमारे समाज की, दलित वंचितों की, छोटे मझले व्यापारियों की देखरेख, उनकी समस्याओं को समझने का जो सरकार के पास ताकत होनी चाहिए वो ताकत बिल्कुल भी बीजेपी में नहीं रही है। हम इसी मुद्दे पर आज डिबेट को शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे प्रमुख नेता हैं जो बीजेपी छोड़ने वाले हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपको रूबरू करवा देता हूं। शबनम पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा प्रदीप चौधरी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, शिखर अग्रवाल हमारे साथ निशास्त समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे साथ सिद्धार्थ राजभर हैं, सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, और विश्लेषक के रूप में, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रदीप भाई, बड़े लंबे समय बाद आपसे बात हो रही है, लेकिन इस
समय के बीच में आप लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कर दिया भाई, क्या ऐसा चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव कुछ नहीं कर सकते हैं, बीजेपी वाले कहते थे और लगभग सभी ये कहते थे कि अखिलेश यादव चुपचाप घर में बैठे हैं। दो दिन में दो बड़े नेता और जो भी पार्टी छोड़ रहा है वो अखिलेश यादव के पास चला जा रहा है, क्यों? नितिन जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। नितिन जी, योगी आदित्यनाथ जी ने परसों एक बयान दिया था, और बयान दिया था, कहा था कि चुनाव 80-20 का है। वो उस बयान का लोगों ने मतलब निकाला कि वो हिंदू मुस्लिम की बात करना चाह रहे होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने, चूंकि ये उनकी अंदर की पीस है, बीजेपी उनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, इसलिए उन्होंने बयान दिया है। वास्तविकता उनका बयान सही है, ये चुनाव 80-20 का है, 20% भाजपा के साथ रहेगा, 80% समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। अच्छा, और असली जो सत्ता का या सत्ता की चाबी का अधिकारी है वो 80% है। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश की गरीब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मजदूर कामगार सब सभी जाति ब्राह्मण से लेकर सारी जातियां सारे धर्म के लोग अपनी आशा भरी नजरों से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाने के लिए, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते लाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अखिलेश जी 12 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे दोस्तों के साथ बैठते हैं, लंच करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी आज 24 घंटे 17 घंटे जगने का काम करते हैं, लेकिन आज विधायक वही जा रहे हैं जहाँ उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसा कैसे नहीं, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हमारे साथ तो ये भी सूचना है कि अमित शाह ने कह दिया है कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो योगी जी हमारे आने को तैयार बैठे हैं। अच्छा, तो और बेचारे स्कूल लिए स्कूल को साथ लिए सभा दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, एक सवाल लीजिए, मैं ये कह रहा था और कौन कौन लोग है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 14 तारीख को कुछ बड़ा करने वाला हूँ, और भी कोई है क्या? नितिन जी हकीकत ये है कि अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सीटें फिक्स हैं उत्तर प्रदेश में 403 सीटें मात्र। हाँ। अगर 600 सीट होती तो हो सकता है 205 विधायक हमारे पास होती। अच्छा, आज कल और परसों तक आप देखिए लोग तमाम विधायक मेरे संपर्क में हैं भाजपा के, लेकिन चूंकि हम टिकट नहीं दे सकते, हमारे कार्यकर्ता इतनी मेहनत की है 5 वर्ष, हमारा एक एक कार्यकर्ता ने लाठी खाई है, फिर भी मुकदमे झेले, स्पेस कम है हमारे पास। आज ये हालात है समाजवादी पार्टी कार्यालय के, मास्क लगा करके ढाता पहन के भारतीय जनता पार्टी के लोग छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से हमारे संपर्क में आ रहे कि भाई बात करके हमें ले लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ठोको नीति लागू हुई, खुलेआम कमरा में लेटे हुए व्यापारियों को पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई, दलित की बेटी को रात के 12 बजे जला दिया गया, तमाम निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया, तमाम जाति धर्म देख के बुलडोजर चलाया गया। ठीक है, आज ये जनता, प्रदेश की जनता 80% लोग ये मन बना चुके हैं कि इस प्रदेश से बुलडोजर और ठग नीति को समाप्त करना है, और आने वाले 2022 में 10 मार्च को देख लेना। मैं आता हूँ 10 मार्च को देख लीजिएगा, आप भी आएंगे शपथ ग्रहण में और योगी जी भी आएंगे। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं भी आऊंगा और योगी जी भी आएंगे, समय भी बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं शबनम जी के पास चलूंगा। शबनम जी, ऐसा क्या हो गया अचानक से, क्योंकि कुछ दिनों पहले आप लोगों ने जातिगत सम्मेलन करवाए थे और ये वही नेता हैं जिन्होंने मौर्य समाज का सम्मेलन करवाया, चौहान समाज का सम्मेलन करवाया, आज ये लोग लगातार एक एक दिन के गैप पर पार्टी छोड़ते हुए नजर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे प्रदीप जी ने क्या भी सुनाई नहीं दिया, इसलिए उनकी किसी भी बातों का जवाब देना मुश्किल होगा। मैं बता दे रहा हूँ प्रदीप जी कह रहे हैं कि करीब 250 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं आपके जो इनके कांटेक्ट में हैं, और अगर 600 सीटें होती तो 250 को अपने साथ ये लेकर आ जाते। ये सपा वही पार्टी है जो कभी कांग्रेस के साथ हाथ मिला है, हम भाजपा को औंधे मुंह गिरा देंगे, कभी सपा के साथ गठबंधन करके कहती है कि हमने डेडली कॉम्बिनेशन बनाया और मीडिया ने भी उस वक्त एक डेडली कॉम्बिनेशन के आगे भाजपा धाराशाही हो जाएगी। तो ये तमाम प्रयास करते रहे हैं, लेकिन इन्हें ये भी देखना होगा कि इनकी पार्टी से कितने लोग निकल गए हैं और जिन जमात को वो बुला रहे हैं उनके साथ किस तरीके की सीटों का बंटवारा करेंगे, किस तरीके से चुनाव लड़ाएंगे, और इनके कार्यकर्ता और उनके कार्यकर्ता कितना इस चुनाव में भागीदारी लेंगे, क्योंकि
ये जब सत्ता में रहे तो केवल अपने परिवार को भरते रहे। नहीं मैडम, जैसे जैसे ये मैं कह रहा था, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने और बाकी दारा सिंह चौहान ने भी आज एक आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में दलितों, पिछड़ों, वंचितों का शोषण हो रहा है, उनकी देखरेख नहीं हो रही, और हम जब उनके हक की बात करते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती है। क्या ये सच्चाई है? इसी वजह से लोगों ने पार्टी छोड़ी? देखिए, ये दोनों नेता ही कैबिनेट मंत्री बने रहे लगातार जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। और आप भी जिस तरीके से कह रहे हैं, दो महीने में ऐसा क्या हुआ? दो महीने पहले तक ये गुणगान गाते नहीं चुप हो रहे थे, वो लगातार गुणगान गा रहे थे कि दलितों, पिछड़ों के लिए इस सरकार ने जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। और श्रम एवं सेवा योजन मंत्री होने के नाते इन्हें बहुत बेहतर तरीके से मालूम है कि किस तरीके से श्रमिकों को, प्रवासी मजदूरों को आर्थिक मदद के साथ साथ खाद्यान्न दिया गया, श्रमिकों को ई कार्ड की बदौलत आर्थिक मदद उनके खाते में पहुंचाई जा रही है, और राशन फ्री बांटे जा रहे हैं, कैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, कैसे इन दो सालों में जो कि स्वास्थ्य की व्यवस्था में किस तरीके से बढ़ोतरी की गई, किस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया गया, तमाम चीजें इन्होंने धरातल पर उतरता देखा। और वो धरातल पर उतरने वाली हर योजना सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत रहा। हमने कहीं भी किसी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं किया। जो दो महीने पहले तक गुणगान गा रहा था भाजपा का, आज चुनाव के चुनावी बेला में और चुनाव की पूर्व संध्या में एक तरीके से मानिए वो अगर जा रहे हैं तो इनका क्या निजी स्वार्थ है, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि जनता जरूर, अगर इनके कोई अनुयायी भी है तो वो सोचेंगे दो महीने पहले तक तो सब कुछ ठीक था, आज अचानक चुनाव आते ही ये क्यों रुख बदल रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनके सगे संबंधियों को उनका टिकट काट दिया क्या? क्या इनकी किसी और महत्वाकांक्षा को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी क्या? क्या ये अपने परिवार की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कहीं और जा रहे हैं? क्योंकि ये साफ तौर पे अगर दो महीने पहले तक इनकी ये संतुष्ट थे तो दो महीने में आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिससे ये आज दलित और वंचित के कंधों पे बंदूक लगाकर वो अपना मतलब साध रहे हैं? शायद ये चुनाव के दौरान इस तरीके से आना जाना नेताओं का हर पार्टियों में होता है। ऐसा नहीं है कि सपा से तमाम बड़े नेता लगातार इन 5 सालों में हमारे पास नहीं आए, तमाम नेता आए हैं, कांग्रेस से आए हैं और सभी बिरादरियों से आए हैं। अब चुनाव की क्या रणनीति रहेगी और किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से भी ज्यादा बहुमत से आएगी, ये 10 मार्च को देखने को मिलेगा। जब 10 मार्च में सपा बसपा और कांग्रेस साफ होगी तो ये निश्चित तौर पर इनके सारे बड़बोले पर और सारे फोटोग्राफ केवल स्क्रीन पर ही रह जाए। शबनम जी, प्रदीप जी तो इतने कॉन्फिडेंस में है, वो कह रहे हैं कि 10 मार्च को मैं सबको न्योता दूंगा, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे अखिलेश यादव। आपने मुझसे पूछा? जी, आप ही से कह रहा हूँ। देखिए, सपने देखने का और दिवा स्वप्न देखना अच्छी बात है। लंबे समय से ये सत्ता से बाहर है, इन्हें सपने देखने का अधिकार है, राजनीति में है, सपने देखते रहे। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उस समय जनता के सपनों को साकार करने की जरूरत होती है, ना कि सेफई में नाच गाने को प्राथमिकता देने की होती है। और ठीक यही काम हमने किया, हमने सत्ता में आते ही जनता के सरोकार के सारे कार्य किए, जनता को हमने सशक्त किया है, और चाहे वो किसी बिरादरी किसी धर्म का हो, हमने निष्पक्षता के साथ उनके साथ काम किया है, ठीक है, और धरातल पर हमेशा उनके साथ रहे हैं। थैंक यू, मैं आता हूँ आपके पास। शिखर अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं निषाद पार्टी से। शिखर भाई, आपके पुराने साथी, पुराने जानने वाले ओम प्रकाश राजभर से कल मेरी बात हुई थी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने ये कहा कि कई ऐसे मंत्री बीजेपी के हैं जो रात में मेरे घर आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि भैया कहीं कुछ जुगाड़ भिड़ा दो, कहीं से टिकट दिलवा दो, कुछ ऐसा करा दो। तो ये क्या इस बात में सच्चाई है? क्योंकि दो दिन से तो देखा जा रहा है कि दो बड़े नेता जो हैं बीजेपी वाले वो चले गए हैं। दूसरी चीज, आप लोग भी कुछ मूड उठ क्यों नहीं बनाते? चुनावी मौसम में कुछ इधर उधर करिए, क्या चल रहा है ये? मैं तो आपके चैनल से बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि निर्बलों की आवाज, शोषितों की आवाज आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं तो प्राइम टीवी का धन्यवाद देता हूं और एक संदेश आपके चैनल से दर्शकों के माध्यमों को देना चाहता हूं
कि उत्तर प्रदेश में 350 सीटों से अधिक सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है। ये इंटरव्यू आप मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए, 11 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं, के साथ बन रही है, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? निषाद राज जिसकी आप खेवैया करते हैं वो सत्ता पा लेता है, हमारी वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर हुई थी। प्रदीप भाई आ रहा हूं, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। हमारे लोगों ने बटन छूना बंद कर दिया समाजवादी का, सत्ता से बाहर हो गई। हमारे लोगों ने बटन छूना बंद कर दिया सत्ता का, जिनने हमें सताया, जिसने निषाद को उत्तर प्रदेश में सताने की कोशिश की है वो सत्ता का सुख ना भोग पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदाते संजय निषाद की अगुवाई में एनडीए गठबंधन 350 से ज्यादा सीटें जीत के एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगा। और ये जो महागठबंधन एक ठगबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, कई सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई है और राष्ट्रवादी ताकतों को रोकने की कोशिश कर रही है। निषाद राज की विचारधारा, निषाद राज वो है जो 578 उपजातियों में एक झंडे के नीचे कश्यप, चिवट, मल्ला, कहार, गायकवाड़, पुरिया, बासन, तेली, समोली, लोहार, प्रजापति, ढालो, पालो, मालविन, गडरिये, भनराजवर, हस्तकार, दफ्तार और शिल्पकार, हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना रहे हैं। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ऐसे नेता है। नहीं तो कल मेरी सरकार में रहे शेखर भाई, कल मेरी बात हुई ओम प्रकाश राजभर से, वो भी यही बात कह रहे थे कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप सबका सोपड़ा साफ होने वाला है, कई सारी बातें उन्होंने बोली है। तो ओम प्रकाश राजभर की बात सही मानी जाए या आपकी मानी जाए? वो ये कह रहे थे कि कई सारे नेता हैं जो एक एक करके आएंगे, उन्होंने ये भी कहा कि कल देखिए कौन इस्तीफा देने वाला, और आज सच में इस्तीफा मिल गया दारा सिंह चौहान का। तो सच्चाई किसकी बात मानी जाए भाई, आपकी माने या फिर ओम प्रकाश राजभर की माने? ओम प्रकाश राजभर जी तो भैया तो खुद ही कंफ्यूज है, वो तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, और मुझे उम्मीद भी है कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा ओम प्रकाश राजभर जी जरूर बनेंगे। अच्छा। वो देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की नीतियों को, विखंडनकारी नीतियों को देख रहे हैं। मैं तो ओम प्रकाश जी को भी आपके चैनल के माध्यम से और व्यक्तिगत माध्यम से भी सलाह देता हूँ, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो एनडीए गठबंधन कर सकता है। निषाद राज की सेना, जब निषाद राज ने अपनी सेना भगवान राम को दी थी तब लंका पे विजय प्राप्त की थी, आज निषाद राज की सेना एनडीए गठबंधन के साथ है, उत्तर प्रदेश जीत के, ये बधाई का संदेश, उत्तर प्रदेश की जनता एक उत्सव के रूप में इस जीत को मनाएगी। और जो गठबंधन और महाठगबंधन और दुनिया भर की बलात्कार करने वाले नेता और ऐसे नेता की महिलाओं को बलात्कार हो जाता है, ऐसे बयान देने वाले नेता औंधे मुंह गिर जाएंगे, उत्तर प्रदेश एक बार फिर से स्वर्णिम भविष्य के साथ। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। सिद्धार्थ राजभर हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ राजभर, कल आपके नेता कह रहे थे कि एक एक दिन पे एक एक नेता इस्तीफा देता जाएगा, बीजेपी का कुछ ऐसा ही हुआ भी है, लेकिन जो इस्तीफा दे रहा है वो अखिलेश यादव के पास क्यों जा रहा है? और अभी शिखर अग्रवाल है निषाद पार्टी से, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 300 प्लस हम करने वाले हैं, 10 मार्च को बुला रहे हैं कि आइएगा मुख्यमंत्री शपथ होगी, जाएंगे क्या उसमें आप? सिद्धार्थ जी, अभी आपके हमारे निषाद पार्टी के प्रवक्ता साहब बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर साहब की बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर साहब खुद कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं बुला ली आ जाएं पहले साथ में। पहले ये अपना कंफ्यूजन दूर कर ले, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था जो 17 तारीख के लखनऊ में महारैली की थी, क्या आरक्षण की घोषणा हुआ कि नहीं हुआ? सीकर साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मैं आपको आरक्षण दूंगा, आपका अधिकार दूंगा, पिछड़े दलित निषाद समाज को अधिकार दूंगा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों को ठगने का काम करती है हमेशा। नहीं तो इनकी कोई बात अभी हुई होगी ना, अभी इनके तो नेता बता रहे थे, इसके पहले इनके नेता बता रहे थे कि जब तक आरक्षण है तब तक वोट नहीं। इनके 17 तारीख के रैली में स्लोगन भी दिया गया था कि वोट आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अमित शाह जी को इन्होंने बुलाया था, अमित शाह जी ने एक भी शब्द नहीं बोला मंच के माध्यम से निषाद समाज को आरक्षण के लेकर, और ये बात कर रहे थे कि ये ठगबंधन नहीं, ठगबंधन हुआ है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 और 2014 में 4800 पार्टी से गठबंधन करके सरकार में आई, और ये बात कर रहे हैं निषाद समाज निषाद राज की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं और इनसे कहना चाहता हूं, भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ लंका में
सभी जाति के लोग गए थे, उसमें साथ साथ बानर भी गए थे। भगवान रामचंद्र जी को तो मंदिर बन गई, जो उनको पुल बनाए उनके साथ जो गए, क्या उनको अभी तक अधिकार मिला? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको अधिकार दिए? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ जात धर्मों में बांटकर ये लड़ाने का काम करते हैं? ये भारतीय झूठ पार्टी का काम है। अच्छा, ये जो एक एक करके कई सारे नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी के मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, डेढ़ दर्जन आने वाला हुए, कौन कौन है नाम नहीं बताएंगे, कल देखिएगा किसका इस्तीफा होने वाला है। कल भी होगा, कल दो इस्तीफा होने वाला है, दो इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना अस्तित्व बता ले और योगी आदित्यनाथ को 10 मार्च शाम 4 बजे मठ में भेजने की तैयारी कर दे। अच्छा, इस भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी की गठबंधन हुई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रहे हैं। 10 मार्च शाम 4 बजे मैं आपको भी बुलाऊंगा और हमारे शिखर भाई इनको भी बुलाऊंगा। मानी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 10 मार्च शाम 4 बजे। नहीं तो ये इस्तीफे वाली बात आपको कैसे पता कि कल फिर कल दो लोग इस्तीफा देंगे, शिखर भाई को और सबनम जी को नहीं पता होगा, कल दो लोग इस्तीफा देने वाले हैं। भारतीय झूठ पार्टी के लोगों से, ये भारतीय झूठ पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगना जानती है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को यूज करना जानती है, सिर्फ और सिर्फ जुमला पार्टी है और ये गरीबों के नाम पर सिर्फ और गरीबों को लूटना जानती है। अभी शिखर भाई बता रहे थे कि 350, ये सही बता रहे। जनता से अपील कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ को लोगों हमारी सरकार बनाओ, अब की बार डीजल 350 में बेचेंगे, पेट्रोल 350 में बेचेंगे, सरसों का तेल 350 में बेचेंगे, गैस सिलेंडर 3500 में बेचेंगे। ये भारतीय शिखर भाई हमारे बता रहे थे, ये सही बात बता रहे हैं, ये सही बात बता रहे हैं। ये भारतीय झूठ पार्टी के लोगों ने और भारतीय झूठ पार्टी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया, ये आज तक किसी का अधिकार नहीं दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, शबनम जी कुछ कहना चाह रही है। शबनम जी, दो लोग और बता रहे हैं कि कल दो लोग और हैं, कोई ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से बैठे सिद्धार्थ राजभर, कल आने वाले बता रहे हैं। आज तीन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया है, दो सपा के। वो ये नहीं बताते, वो ये बताते कि आप क्या से कौन आ रहा है। नहीं नहीं, वो इनको नहीं मालूम होता है कि कौन कौन वहाँ से आ रहा है। और दूसरी बात, ये अगर सपा के साथ जाते हैं तो क्या सपा ने कोई आरक्षण कर दिया था लंबे समय तक? हम तो 5 साल ही गए, ये तो लंबे समय तक राज करे हैं उत्तर प्रदेश में। इन्होंने क्या कर दिया दलितों और पिछड़ों को? जब सत्ता में आए तो केवल एक जाति विशेष का आरक्षण करते रहे भर्तियों में और तमाम जगहों पे। तो उनके साथ मिलकर जनता को लूटने का काम करने के लिए राजभर पार्टी हो या और लोग जा रहे हैं। देखिए, कल एक मीटिंग हुई इनकी राजभर जी अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं, शिवपाल जी अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं, मौर्य जी भी अपने पुत्र के टिकट की बार्गेनिंग कर रहे होंगे। तो ये पुत्र परिवारवाद को, परिवार को संजोने सुदृढ़ करने के लिए ये एक गठबंधन हुआ है, ना कि जनता को सुदृढ़ और सशक्त करने के लिए। राजनाथ सिंह साहब अपने पुत्र को एमपी बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी ये जनता को, अमित शाह जी अपने पुत्र को बनाने में चक्कर में लगे हैं। परिवारवाद की नारा जो देते हैं, परिवारवाद, जातवाद, वंशवाद सबसे ज्यादा भारतीय झूठ पार्टी करती है। ये भारतीय झूठ पार्टी से बड़ा कोई परिवारवाद नहीं करता है, जातवाद कोई नहीं करता है। प्लीज प्रदीप भाई, बस आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। सुभाष यादव जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। सुभाष जी, आपने तो कई सारे चुनाव उत्तर प्रदेश के देखे होंगे, लेकिन इस चुनाव के फेस को अगर देखा जाए, अभी शुरुआती फेस को देखा जाए, अभी तो जस्ट डिक्लेयर हुई है डेट्स, लेकिन उसके पहले ही इतने बड़े बड़े नेता सत्ता दल को छोड़ के विपक्ष में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने बेहतर काम नहीं किया, इसी वजह से हम नाराज हैं। कितनी सच्चाई हो सकती है इस बात में और आगे क्या रुख होगा राजनीतिक दलों का अब, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि और भी बहुत से नेता जो हैं वो छोड़ने वाले हैं बीजेपी को, इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? नितिन जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले तो जो सिद्धार्थ राजभर जी ने जो बोला कि कल दो लोग और इस्तीफा देंगे, हाँ।
तो इनका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है काफी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे खुद भी आश्चर्य हो रहा है, अगर इतना स्ट्रॉन्ग है समाजवादी पार्टी का, या ये तो मुझे लग रहा है कि सारी डील यही लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, सारी डील यही लोग कर रहे हैं, यही लोग इस्तीफे दिलवा रहे हैं। यहाँ तक जिस कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से उन्होंने पूरा प्लान सेट करके रखा है, तो मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि इनको तो इंटेलिजेंस के अंदर जाके बैठ जाना चाहिए। अच्छा, कल ओपी राजभर से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि रात में 11-12 बजे ऐसी ऐसी गाड़ियों से मंत्री आ रहे हैं, आप देखेंगे तो कहेंगे मंत्री ऐसी गाड़ी से भी चलता है, धक्का मारने वाली गाड़ियों से आ रहे हैं वो लोग, और कह रहे हैं कि भैया कुछ जुगाड़ करा दो हमारा। जी जी, अब कितने मंत्री गए तो मुझे नहीं पता, लेकिन दयाशंकर सिंह जी का मैंने भी सुना था कि जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और वो सरोजनी नगर से टिकट भी मांग रहे हैं, क्योंकि उनके सामने उनकी पत्नी है, जाहिर सी बात है टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो अपना ठौर ठिकाना तलाश रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं चुनाव की बात के ऊपर। नितिन जी, जो दल बदलू वाली जो चीजें हो रही है ना, कि जो बड़ी बड़ी पार्टी के जो नेता होते हैं सत्ता पक्ष को छोड़ के जा रहे हैं या विपक्ष को छोड़ के जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 के अंदर भी जब चुनाव हुए थे तब भी कई राजनीतिक पार्टियों के लोग छोड़ के गए थे। ये लोग सिद्धांतों की राजनीति नहीं करते, ये लोग अवसर की राजनीति करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो सपना पांडे जी ने बोला कि ये जो लोग गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए या फिर जो दारा सिंह चौहान जी हो गए, ये लोग अपने परिवार के अंदर गए, जो भी चीजें, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा कि जब कुछ दिन पहले जितिन प्रसाद को इन्होंने पार्टी के अंदर शामिल किया तो इन्होंने बहुत ही लाल लश्कर के साथ एक ब्राह्मण चेहरा आया है, बहुत खुश हुए ये। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब इनको अगर कोई छोड़ के जाता है तो वो बड़बोलापन हो जाता है या अपने परिवार के अंदर चला जाता है, ऐसा कौन सा राजनीतिक परिवार है या ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रही है। अभी आपने देखा सिद्धार्थ राजभर जी ने आरोप लगाया कि परिवारवाद की बात, परिवारवाद सुभाषपा के अंदर भी है, परिवारवाद समाजवादी पार्टी के अंदर भी है, परिवारवाद समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी भारत देश के अंदर अछूती नहीं है जिसके अंदर परिवारवाद नहीं है। या परिवारवाद की बात अगर कोई पार्टी अगर कर रही है तो गलत है, पहले अपने गिरेबान में झांक के तो देखो कि आप लोग क्या कर रहे हो, पहले अपने को देखना चाहिए ना इन लोगों को। ये परिवारवाद की बात करने से पहले अपने आप को देख लें। अब ये आते हैं कि स्वप्नम पांडे जी ने ये भी बोला कि इनकी सारी जो इनके जो मंत्री थे बहुत ही अच्छा काम किए थे। अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा क्यों दिया, पिछड़ों की, अकलियत की, वंचितों की, दलितों की बात। मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा काम किया, मैंने ये कहा कि वो तारीफ करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम जी किया। जी मैडम, वही उसी बात को मैं बोल रहा हूँ, आपने वही बात बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अच्छा काम किया या सरकार ने अच्छा काम किया। जब सरकार ने अच्छा काम किया तो फिर इसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये आरोप क्यों लगाया कि मैं दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों के लिए जो करना चाहिए था मंत्रालय के माध्यम से वो मैं नहीं कर पाया, सरकार ने मुझे करने नहीं दिया, ये आरोप कैसे लगाया। और सेम उसी पैटर्न पर, सेम अगर इस्तीफा देखा जाए दारा सिंह चौहान का भी तो सेम उसी पैटर्न पे कॉपी एकदम पूरी तरीके से एक साथ बैठ के दोनों बिल्कुल बिल्कुल है। तो सारी चीजें अगर आप सही बोल रहे हैं कि इन लोगों ने ये चीजें बोली है तो यही चीज फिर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये क्या सोच के आरोप लगा रहे हैं। कम से कम आपको उसके ऊपर भी देखना चाहिए ना कि जब काम इन्होंने बिल्कुल सही किया उसके बावजूद अगर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शबनम जी हमें अपना घर भी देखना पड़ेगा। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके लिए गलत है कि ये ऐसा कर रहे हैं या वैसा कर रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए मैंने कहीं किसी को गलत और सही नहीं बोला। शबनम जी, लेट मी फिनिश, मैं कंप्लीट कर लूं, आपकी बारी आएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब 2016 के लास्ट में 17 के विधानसभा चुनाव होने से पहले जब बसपा छोड़ के आपके पास आए थे तब तो काफी अच्छे थे वो, आज अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो आपको बुरे क्यों लग रहे हैं। असल में बुरे इसलिए लग रहे हैं नितिन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर 50% से ज्यादा पिछड़े हैं और पिछड़ों का वोट बहुत मायने रखता है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो 2007 से 2012 के अंदर आई थी 31-33% के बीच के अंदर उनका वोट शेयर मार्जिन था, सरकार बनी। समाजवादी पार्टी की जो सरकार 2012 के अंदर बनी 31% वोट शेयर मार्जिन था, इनकी जो सरकार बनी 40% के आसपास वोट शेयर मार्जिन था, उसके अंदर 25% या 20% पिछड़ों का वोट था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, दारा सिंह चौहान के जाने से पिछड़ों का जो वोट है, जो उनका एक वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटक के जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, वो डेफिनेटली जाएगा। ये इस चीज को अगर ये भारतीय जनता पार्टी डिनाई करने का प्रयास करे तो डिनाई नहीं कर सकती, ये कहीं ना कहीं इनको नुकसान दे के ही जाएंगे ये। तो ये इनके लिए आपस में मंथन करने की जरूरत है कि ये लोग, सत्ता के लोग जो इनके मंत्री छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल इनके लिए। ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए। हेलो प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको? प्रदीप भाई, हाँ नितिन जी आवाज आ रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और अब तो मियां बीवी झगड़ा लगा दिया इन्होंने।
सरोजनी नगर विधानसभा से स्वाति सिंह उनके पति को अरे तो उनके घर का मामला है, आप उसमें क्यों इंटरवीन कर रहे हैं भाई? इस तरीके से जैसे अभी उन्होंने कहा हमारे संजय निषाद वाली पार्टी के प्रवक्ता जी ने, इनसे ये कह रहे थे कि ठगबंधन ये बंधन, अरे आपको पहले सदन में भेजने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया, आप इन्हीं योगी जी को गाली देते थे सांसद आपको हमने बनाया भाई, आपकी हैसियत नहीं थी आप सांसद बन जाते, और आज आप गठबंधन इसको ठगबंधन बता रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जिस दिन इन्होंने 17 तारीख को रैली की और समाज को ये बहका करके भीड़ बुलाई गई कि आज हमारे आरक्षण का फैसला होगा, इनके लोग तमाम लोग अमित शाह जी के मंच पर चढ़ गए। अरे तो कोई बात और दूसरी हुई होगी ना, आरक्षण वाला मुद्दा हटाइए उसको, ठंडा करिए, कोई और मुद्दा सेट हुआ होगा शायद सीट को लेकर के। आरक्षण के नाता आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है, तो ये तो उनका मुद्दा है भाई, उनकी बात किस चीज पे बन रही है? बहुत समझदार समाज है और निषाद समाज ने जानता है कि जब जब निषादों को सम्मान दिया तब मछुआरे के पत्ते हो या सम्मान देने का काम किया समाजवादी पार्टी ने किया, तथा कुछ नेताओं से जो समाज के ठेकेदार है, निषाद समाज बेकार में नहीं आएगा। आज निषाद महिला केवल और तमाम जो आरक्षण के खिलाफ लोग उनके खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के मटके में छेद हो गया नितिन जी, और लगातार आप देख लीजिएगा अब एक बूंद पानी नहीं बच पाएगा, लगातार इस्तीफों को झड़ी होगी, बहुत लंबी लाइन अखिलेश जी के घर पे लगी है। शिखर अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, प्रदीप भाई शिखर अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, मैं जरा सवाल ले लूं फिर आता हूं। हां शिखर क्या कह रहे हैं आप बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए, लाल टोपी है, लाल टोपी तो मैंने लगा दिया। अरे दोनों की लाल टोपी है भाई, शिखर भाई शिखर भाई एक मिनट, शिखर भाई एक मिनट, समाज से कोई लेन देन नहीं है, प्लीज एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज, किसी की आवाज नहीं आएगी ऐसे। प्रदीप भाई शबनम जी प्लीज एक एक करके, प्लीज एक एक करके, प्लीज प्लीज छोटा शिखर भाई, शिखर भाई शिखर भाई शिखर भाई मैं आ रहा हूँ, एक मिनट बस 30 सेकंड रुकिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ सुभाष जी क्या कह रहे हैं? प्रदीप भाई आ रहा हूँ, प्रदीप भाई आ रहा हूँ आपके पास। आपने लाल टोपी का जिक्र कर दिया ना, किसी लाल टोपी पर जैसे समाजवादी पार्टी का जो लाल टोपी है, इस लाल टोपी को तमाम श्याम सुंदर प्रदीप भाई प्लीज, प्रदीप भाई आ रहा हूँ, प्रदीप भाई आ रहा हूँ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं दे सकती है, भाजपा कभी नहीं दे सकती। ठीक है हो गया, प्रदीप भाई आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए, दूसरों को सुनिए। समाजवादी पार्टी ठीक है, के साथ गठबंधन करके भी ऐसे और ठीक है, प्लीज 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 प्रदीप भाई, प्रदीप भाई हो गया, प्रदीप भाई मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ प्रदीप भाई आ रहा हूँ, हो गया प्लीज प्रदीप भाई, प्रदीप भाई प्लीज प्लीज, प्रदीप जी की आवाज ऑन करो भाई, साइकिल से मोटरसाइकिल हो गया, प्रदीप जी की आवाज ऑन करो, 10-5 को ही चुप होंगे। हाँ मैंने चुप करा दिया बेटा उनको। हाँ सुभाष जी क्या कह रहे हैं? चेंज हो गया है। मैं नितिन जी पूछना चाह रहा था शिखर अग्रवाल जी से ही, ये जो लाल टोपी का आपने जिक्र कर दिया उसी के ऊपर, इस लाल टोपी पे उगर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले एक बयान भी दिया था कि लाल टोपी का मतलब होता है रेड सिग्नल, और इसके ऊपर इन्होंने भी योगी आदित्यनाथ जी में टिप्पणी की थी। तो मेरा सवाल इनसे ये है कि लाल टोपी तो इनकी भी है, शिखर अग्रवाल जी की भी, निषाद पार्टी की भी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी की जो लाल टोपी वही रेड सिग्नल है या आपकी टोपी का जो लाल रंग है वो भी रेड सिग्नल है? हाँ बताइए शिखर भाई क्या कह रहे हैं? ये मेहरून कलर की टोपी है, लाल रंग की टोपी नहीं है, ये क्रांति का रंग है, मेहरून रंग, मेहरून क्रांति तैयार हो चुकी है, जब खून जमीन पर गिरता है तो मेहरून हो जाता है लाल, तो ये मेहरून रंग है, मिट्टी में रहने वालों का, जमीन पर काम करने वालों का, मेहनत करने वालों का ये रंग है। आज उत्तर प्रदेश का वंचित दलित शोषित मजलूम किसान नौजवान छात्र बेरोजगार आशाओं की निभाव से माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की ओर देख रहा है, कुलदीप चौधरी जी की हरकतों से पता लगता है कि समाजवादी पार्टी में विवेक की धैर्य की कमी है। आज संपादक के या जो स्टूडियो में बैठे हुए हमारे भाई प्लीज सुन लीजिए क्या कह रहे हैं शिखर अग्रवाल, उनके सामने भी प्रदीप जी बोले जा रहे हैं, जिसे इतना ज्यादा चुप कराना पड़े, उससे ये साफ साफ उनके चेहरे पे कह रहा है कि ये चुनाव हार रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए प्रदीप भाई,
प्रदीप भाई सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरह से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार, अरे पुराने साथी हैं आपके भाई, बोल लेने दीजिए। एनडीए गठबंधन अपनी सरकार 350 से ज्यादा सीटों से बना रहा है और खेल तो अभी चालू होना है। समाजवादी पार्टी में पहले तो बचे कुछ नेता जो जमीनी नेता है वो नहीं है, जो बचे हुए जमीनी नेता है वो जल्द ही एनडीए गठबंधन के साथ आपको दिखाई देंगे। और ये लाल टोपी को लेकर, लाल टोपी को लेकर सुभाष जी ने कुछ सवाल पूछा था आपसे अभी। लाल टोपी नहीं है हमारी, मेहरून टोपी है। मेहरून रंग क्रांति का रंग है। मेहरून क्रांति उत्तर प्रदेश में लाने वाले हैं माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ पिचलमैन, मछुआरों के राजनीतिक देवता, जिन्होंने अपने ज्ञान से ही आरक्षण का मुद्दा ऐसा मछुआरों को जानकारी में लाए, सारी पार्टियों की जानकारी में लाए, समाज की मुख्य विकास धारा में लाए और इस मुद्दे के ऊपर भी काम चल रहा है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई जिनसे लगातार वार्ता चल रही है, निषाद समुदाय आचार्य निघाल से माननीय साहब के साथ है उत्तर प्रदेश में, ये इनकी छटपटाहट ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हार की तरफ जा रही है। ठीक है, शबनम जी कुछ कह रही थी आप। देखिए जिस तरीके से प्रदीप जी बोल रहे हैं, एक कहावत है तोता चना बाजे घना, अब ये 10 बार तक ये चना बंद होगा बजना, क्योंकि 10 बार तक इनको झाड़ पे चढ़ा के रखा है इन नेताओं ने कि हम वो जीत रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का समर्थन लेके ये सोचते थे हम जीत जाएंगे, भाजपा का समर्थन लेके ये सोचते थे जीत जाएंगे, ये ख्वाब देखने लगे हैं। तो इन्हें पहले से ही थोड़ा सा अनुशासन में रहना चाहिए और लाल टोपी को बर्दाश्त नहीं करते हो, काम इन्होंने किया है किसी और ने नहीं। मैं ये पूछ रहा था शबनम जी, ये सिद्धार्थ राजभर है सुभाषपा वाले, इनको कैसे इतना इनपुट मिल रहा है कि कल दो लोग छोड़ेंगे, परसों तीन लोग छोड़ेंगे, आज एक लोग छोड़ेंगे, ये सारा इनपुट कहाँ से लाए? इनको मालूम है कि तमाम लोग सपा से छोड़ कर तीन कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं बता रहे हैं वो। देखिए और अभी आपने देखा कितने एमएलसी छोड़ के आ गए, कितने और अब ये अपने छेप हटाने के लिए रोज कुछ ना कुछ छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति बहुत ही मजबूत है और इस चुनावी रणनीति के तहत हम ग्राउंड पे जा रहे हैं और 10 मार्च को कृष्णा पटेल को बिठाने का काम किया हमारे राष्ट्रीय सम्मान है हमारे महिलाओं का और आप क्या रात को बेटियों को जला दिया जाता है, ये सम्मान है आपके भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप भाई आप बोलने ही नहीं दे रहे, किसी को सुन तो लीजिए क्या कह रही है शबनम जी, शिखर भाई पूछ रहे थे। देखिए लाल रंग में आरक्षण दिला दिए थे जो आप इतनी उनकी चापलूसी कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं। हम किसी के तलवे नहीं चाटने आए हैं, मैं किसी के तलवे चाटने नहीं आया हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को लाभ करके आया हूँ, मैं किसी का तलवे चाटने नहीं आया हूँ। तरक्की की फसलें हम भी काट लेते हैं, तरक्की की फसलें हम भी काट लेते हैं, थोड़ा सा योगी जी के जाके हम भी तलवा चाट लेते हैं। मैं किसी का तलवे चाटने नहीं आया हूँ, मैं गरीब और पिछड़ों दलितों को अधिकार के लिए आया हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मार के आया हूँ, मैं सत्ता का चक नहीं चकने गया था। मैं बताना चाहूंगा मैं इसलिए बताना चाहूंगा, अभी लाल टोपी की बात बता रहे थे। देखिए लाल टोपी जब लाल रंग में पीला रंग बनता है, पीला रंग मिलता है तो केसरिया रंग बन जाता है। अभी शिखर भाई बता रहे थे कि हमारा टोपी का प्रतीक है, हमारे टोपी का प्रतीक है। और शबनम जी को भी बताना चाहूंगा, जिनके प्रचारक मंत्री से उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे उनमें इनके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि लाल और पीला रंग जब एक होता है तो केसरिया रंग बनता है। केसरिया रंग जो बलिदान के प्रतीक कहते हैं और यह राष्ट्र के प्रतीक हिम्मत और निस्वार्थ भावनाओं के दिखता है। यह रंग
बौद्ध और धर्म के प्रतीक होता है, और ये रेड ऐसा जो प्रचारक मंत्री बता रहे थे, जो प्रचारक मंत्री बता रहे थे, इनके बताना चाहूंगा। फेल लाल रंग से लिखा जाता है स्कूल और कॉलेज में, बच्चे फेल होते हैं तो ये भी बता की बात नहीं कर रहा हूँ, गलत की बात कर रहा हूँ, रंग की बात कर रहा हूँ, लाल और पीला की बात कर रहा हूँ मैडम, लाल और पीला की बात कर रहा हूँ, मैं किसी प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, पांच साल में एक भी काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं बता दे, सिर्फ एक काम भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ एक काम बता दे, मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में विकास विकास के लिए आपने काम किया, एक काम बता दे, एक काम सिर्फ और सिर्फ एक काम बता दे। नितिन जी, नितिन जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इन लोग भारतीय झूठ पार्टी के लोग सिर्फ एक काम अपना बता दे, एक काम की गिनती बता दे, भारतीय झूठ पार्टी भारतीय जुमले पार्टी के लोग एक काम बता दे, उत्तर प्रदेश में पांच सालों में हमने किया है, कोई फैक्ट्री बैठाया हो, कोई डिग्री कॉलेज खोला हो, कोई IIT कॉलेज खोला हो, कोई भी कॉलेज खोला तो बता दे, भारतीय जुमले पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर है। अगर हम टिकट के लिए नहीं, हमारा समझौता हुआ है लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए। अभी नितिन जी आपसे बता रहा हूँ, अभी अड़सठ हजार शिक्षक वैकेंसी हुआ है, अभी 68,000 शिक्षक वैकेंसी हुआ है, जिसमें लिस्ट आ गया है, जिसमें लिस्ट आ गया है उसमें बैकवर्डों का अधिकार खाया गया है, ये भारतीय झूठ पार्टी के लोगों ने खा गया है, बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, बच्चे पर डंडे बैठाए जा रहे हैं, ये भारतीय झूठ पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर है, रोजगारों छीन लिए। ठीक है शिखर अग्रवाल कुछ कह रहे थे आप। मैं तो सिद्धार्थ राजभर जी को भी ये बताना चाहूंगा कि दलितों के पिछड़ों का साथ देने के लिए अपने बड़े भाई डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के दिखाए रास्ते पर चल गए, NDA गठबंधन का हिस्सा बने और इस महाठगबंधन से दूर हो जाए। अच्छा, मतलब बुला रहे क्या? निर्बलों का, वंचितों का हिस्सा। मैं राजभर जी को खुला न्योता देता हूँ कि वो आए और सह सम्मान अभी अभी NDA गठबंधन का हिस्सा बने। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो रहा है, हो सकता है 14 जनवरी तक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मान जाए, अरे ऐसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मान जाए। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो रहा है, इनको भी खुद नहीं पता है, इनको भी खुद नहीं पता है, इनको खुद नहीं पता है, भारतीय झूठ पार्टी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक काम बता दे, एक काम। मैं पूछना चाहता हूँ, योगी मोदी के ललका सार से ट्रामा सेंटर में 70% मरीज आ रहे हैं, योगी जी के ललका और करियवा सार से एक्सीडेंटों के चला गंगा में 350 की बात करें, गंगा में चला, इंतजार करा किसान, बेसब्री से इंतजार कर रहा है, एक काम बता दे नितिन जी, भारतीय झूठ पार्टी के लोग एक काम बता दे, एक काम अपना बता दे। ठीक है, मैं पूछूंगा, सारी चुप्पी आ जाएगी। ठीक है प्रदीप भाई, आवाज है आपके पास, आवाज मिल रही है? हाँ, नितिन जी आवाज आ रही है। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे आप, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर शबनम जी के पास चलेंगे। हाँ नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा भटकाने का काम करती है, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने जो इनको मैंडेट दिया था, उत्तर प्रदेश की जनता, इन्होंने तमाम दलित, क्या संजय निषाद से भी कुछ बातचीत चल रही है क्या आप लोगों की? जी संजय निषाद से भी कुछ बातचीत चल रही है क्या? संजय निषाद बहुत जल्दी आपको फोटो खिंचाते नजर आएंगे। क्या बात कह रहे हैं आप, अखिलेश जी माननीय राष्ट्रपति जी क्यों सांस से रोकने में लगे भाई, किसी की लगातार टाइम मांग रहे हैं, संजय निषाद जी लगातार हमारे संपर्क में हैं। अच्छा,
संजय निषाद भी हमारे संपर्क में है, अनुप्रिया पटेल भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और तमाम इनके बहुत बड़े बड़े मंत्री हमारे संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी, यकीन नहीं मानोगे आप, जिनका आप नाम नहीं सोच पाओगे जो तमाम संपर्क में है। अच्छा, और 100+ विधायक भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी में लाइन लगाए खड़े। और मैं आपको निश्चित ये बता देना चाहता हूं नितिन जी, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ था और बंगाल में हुआ था, बंगाल में तो ठीक हुआ, दिल्ली की तर्ज पे इनके विधायक मात्र 3 आएंगे, 400 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत के आएगा और तीनों विधायक 3-व्हीलर से विधानसभा आया करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। 3-व्हीलर, और वो भी हम उनको 3-व्हीलर तमाम हमारी जो हमने रिक्शा ई रिक्शा बांटे थे समाज योजना में, हम उन विधायकों को रिक्शा देंगे, उसमें बैठ के आया करेंगे। ठीक है शबनम जी, 3-व्हीलर में। शबनम जी, ये क्या कह रहे हैं प्रदीप चौधरी, कह रहे हैं कि संजय निषाद से भी बातचीत हो रही, वो भी फोटो खिंचाना चाहते हैं बहुत जल्दी। देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस वक्त ये कांग्रेस के साथ लड़ रहे थे तो ये इसी तरीके से प्रदीप भाई हो गया आपका। और जब भाजपा के साथ भी चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे ये डेडली कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन है कि पूरा टुकड़ा साफ हो जाएगा। ये मैं बार बार आपको, और वही अधीरता आज ये फिर से दिखा रहे हैं। लेकिन चुनाव जब होगा और 10 मार्च की जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा इन सपा का सुपड़ा साफ 10 मार्च को, ये आप लिख लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने लोग हैं अपने पुत्र को टिकट दिलाने के लिए सपा में जा रहे हैं, चाहे राजभर जी हैं, कहते हैं हम राजभर समाज के लिए काम करते हैं, पर ये अपने बेटे को टिकट लिस्ट निकलेगा, आप देखिएगा अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी हो रही है। जो भी इनके साथ जुड़ रहे हैं अपने परिवार को, इनसे रोजगार की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, आपकी पोल खुल गई। इन लोगों ने अभी मेरे बातों का जवाब तक नहीं दे पाई। सबने मैम, मैंने पूछा कि भारतीय झूठ पार्टी में एक भी काम हुआ है तो बता दे। ठीक है, चलिए, हम पूछ लेंगे सिद्धार्थ, बता दे। क्या होगा नदियों के कुछ नाम रखे, भारतीय धाराओं का क्या होगा, क्योंकि गंगा भी पानी है, जब जब भी पानी है, मुल्ला भी पिए, हिंदू भी पिए, पानी का मजा क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में साथ है सबकी, क्या हवा नहीं चलाओगे? प्लीज, हो गया, सिद्धार्थ हो गया, प्लीज, मैं आऊंगा, प्लीज, सिद्धार्थ, समय कम है, समय कम है भाई, समय कम है सिद्धार्थ, ठीक है, सुभाष यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सुभाष जी, आखिरी में मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये कुछ नेता ऐसे दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, ये जो लॉटरी सिस्टम चल रहा है ये कितना सही है। 2 कल आएंगे, 2 कल। ठीक है, सुभाष जी से बात कर लेते पहले। हाँ सुभाष राजभर जी, बहुत अच्छी कविता बोले आप, कभी कवियों का अगर मंच लगेगा तो मैं आपको इनवाइट करूंगा, खैर वो तो अलग बात है। बात यहाँ पे आ रही है नितिन जी, आपने जो बोला ये वास्तविकता है, आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कोई नेता किसी पार्टी में जाएगा, कोई नेता किसी पार्टी के अंदर जाएगा, ये आना जाना खैर लगा ही रहेगा। लेकिन ये जो लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जैसे कि अभी प्रदीप चौधरी जी ने बोला बहुत ही अच्छा सोर्सेज, बहुत ही एकदम ऐसा इन्होंने बोला कि अनुप्रिया पटेल जी आ रही हैं और संजय निषाद जी, बिल्कुल, तो मैं कहीं ना कहीं ये इनकी बात को एक बार एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ हो सकता है संजय निषाद जी आ जाएं, क्योंकि उनका भूतकाल वैसा था और वर्तमान के अंदर भी वो अपनी निषाद पार्टी से, न तो उनके पुत्र हैं सांसद हैं उनकी खुद की पार्टी से, और न उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद जी हैं वो खुद MLC उनकी पार्टी से नहीं है, तो ये जा भी सकते हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल का जो उन्होंने सोर्सेज बोला, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आवेश में आ गए, जोश में आ गए, कुछ ज्यादा ही बोल गए। अनुप्रिया पटेल जी नहीं जाने वाली,
प्रदीप जी आप बहुत ज्यादा बोल लेते हो, लेकिन आप यही तो आपके बहुत बड़ी गलती है, आप थोड़ा सुना तो करो कम से कम। आपकी बारी आती तब भी बोलते हो, दूसरे के बीच में भी बोलते हो। आपके सोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है, हमारा ऐसा कोई तो रेट कहाँ पड़ रही थी, कहाँ पड़ गई? उस रेट का आपने पता क्यों नहीं लगाया? आपकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसका तो पता करना चाहिए था ना, उसको ध्यान दीजिए पहले आप तो। लेकिन नितिन जी, ये वास्तविकता है कि आने वाले टाइम के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर सिर्फ यही चेहरे नहीं, कई ऐसे चेहरे। आज समाजवादी पार्टी जो दम भर रही कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर आ गया और बाहर से जो विधायक वो आने वाले, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी को अपना किला भी बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर भी 403 विधानसभा के अंदर, यार आप प्रदीप जी, आप सुनने की क्षमता नहीं क्या आपके अंदर? सुनने की क्षमता रखो आप, सुनने की क्षमता रखो आप। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, सुनने की क्षमता रखो आप। बार बार बोले जा रहे हो, आप बार बार बोले जा रहे हो, शमला पांडे जी के पीछे बोल रहे हो, शिखर जी के भी पीछे बोल रहे हो, आप हो क्या भाई? प्रवक्ता प्रवक्ता की हैसियत से बैठो आप, सुनने की क्षमता रखो। हर बात में बोल रहे हैं बीच में, आपकी बारी है, हमने बोला बीच में, आपकी बारी है, बीच में बोला हमने, नहीं आपकी बारी है, बोला हमने आपसे बीच में, पहले आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैंने आपसे सवाल नहीं किया था ना, मैंने आपसे सवाल किया क्या? मैंने आपसे सवाल किया, जब आपसे सवाल किया जाए तब बोला करिए आप, ये बीच बीच में कूदने वाली बीमारी बहुत गलत है आपकी। ये सपा वालों की सबसे बड़ी तकलीफ यही है, समाजवादी पार्टी को अपना किला बचा के रखना पड़ेगा। आजकल खुशी बहुत है ना उन लोगों को, वही चीज, ये जो इनका और कॉन्फिडेंस है, कहीं इनको लेना डूबे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 403 इनकी जो विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर है, इनके यहाँ पे भी हर एक एक विधानसभा सीट के ऊपर 10-10 दावेदार हैं। वो तो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में वो कह रहे हैं कि 3 विधायक आएंगे, वही ओवर कॉन्फिडेंस। ये अपने लोगों कैसे एडजस्ट करेंगे? कल को जैसे ही टिकट बंटवारा होना शुरू होगा, पहले फेज के अंदर ये लोग टिकट अनाउंस करेंगे। समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूटेंगे और टूट के जाएंगे। तो प्रदीप चौधरी जी, आप भी अपने किले को बजा के रखिए, ये मत भूलिए कि उधर आग लगी हुई तो आपका घर नहीं बचेगा, आपके घर के अंदर भी चिंगारी लगेगी, तो अपने घर को भी बचाइए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, विधानसभा की तैयारियों को देखते हुए लगभग सभी राजनीतिक दल छोटे छोटे मुद्दे, प्रमुख प्रमुख मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो नेता है उनको दल बदलने की जल्दी लगातार मची हुई है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कब अपनी चीजों को बेहतर मजबूत किया जाए। जनता के मुद्दों की तो बात नहीं की जा सकती, क्योंकि जो लोग 5-5 साल सरकार में बिता चुके हैं, मंत्री पद पर बिता चुके हैं, उनको उस वक्त जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, उनके हक मरने की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ऐन चुनाव से ठीक पहले उनको ये सारी चीजें दिखने लग गई हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि राजनीति किधर जा रही है उत्तर प्रदेश की। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मैं दीजिए नमस्ती, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।